चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे एक बार फिर पहाड़ी दरकने के कारण बंद हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात भारी बारिश के कारण लगभग 10 बजे 7 मील के पास पहाड़ी से काफी बड़ी चट्टाने और पत्थर सड़क पर आ गिरे। सब्जी ले जा रही जीप इसकी चपेट में आ गई है। जीप चालक ने भागकर अपनी जान बचाई। पंडोह पुलिस चौकी की टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क खुलवाने के कार्य को शुरू किया। स्थानीय ठेकेदार विशाल गुप्ता की मशीन द्वारा पत्थरों और चट्टानों को हटाया जा रहा है। पुलिस द्वारा यहां जाम में फंसी गाड़ियों को वाया गोहर सड़क से भेजा जा रहा है। वहीं मंडी से कुल्लू जाने वाले वाहनों को वाया कटौला भेजा जा रहा है। हेड कांस्टेबल श्यामलाल ने बताया कि मलबा हटाने का कार्य जारी है और जल्द से जल्द हाईवे को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इन दिनों मंडी से ओट तक फोर लेन निर्माण का कार्य चला हुआ है। सड़क को चौड़ा करने के लिए पहाड़ों की कटिंग की जा रही है, जिस कारण यह लैंडस्लाइड यहां बार बार हो रही है। कल दिन से बारिश लगी थी तो बारिश के कारण छोटे छोटे पत्थर आ रहे थे। रात को करीब 10 बजे के लगभग भारी पत्थर आए, जिसमें जीप एचपी 3385 का नुकसान हुआ है, जिसमें चालक की कोई चोट नहीं आई है। और रात से सड़क बंद थी, अब जो सड़कों को खुलाया जा रहा है, अति शीघ्र खुलाया जाएगा। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।